So, dear students, we have this question. ये question concave mirror का है और 2015 का AMU 11th entrance test का question है. If the object is placed between center of curvature C and focus F, the position of the image by a concave mirror is. Position पूछी है image की और बहुत ही simple question है. टेबुलर फॉर्म में मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें तो फिर कहाँ पर इमेज मिलेगी. बहरहाल इसको हम इसकी फिगर बना लेते हैं. सपोज ओके इसका सॉल्यूशन इधर हम लिख लेते हैं. अगर आप भूल जाएं तो आप फिगर बनाना शुरू कर दीजिए. इसकी फिगर से याद आ जाता है. फिगर कैसी होगी? ऐसी. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया तो इधर पॉलिश हो गई. इधर आपका फॉर एग्जांपल दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एफ. ऑब्जेक्ट को आप कहां प्लेस करना चाह रहे हैं? ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर हम कर दें. सपोज यहां पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. ओके ये हमने बताया था आपको. अगर हम यहां प्लेस कर देते हैं तो हम एक रे बनाएंगे इससे पैरेलल और ये कहां जाएगी रे? ये फोकस से पास होती हुई जाएगी. ओके ऐसे जाएगी. दूसरी एक रे हम फोकस से पास होती हुई दिखा दें. जैसे ही मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी. तो देखिए यहां पर मिली है तो इमेज कहां बनेगी? दिस इज द इमेज एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की पोजिशन है सी और एफ के बीच में और ये इमेज की पोजीशन है. इमेज कहां बनी है? इमेज सी से भी ज्यादा दूर बनी है. तो कैसे कह सकते हैं इसको? बियॉन्ड सी बोल सकते हैं हम इसको. आंसर देखें, बियॉन्ड सी यहां पर आंसर क्लियर बिल्कुल लिखा हुआ है. तो ये सी करेक्ट आंसर है इसका. तो बिल्कुल ऐसे सवाल भी आते हैं बिल्कुल आसान जिसको आप पढ़ के आप कर देंगे. तो इसीलिए मैं कहता हूं जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको. ठीक, नोट कर लीजिए इसको.